साइंस के 3 मैजिक ट्रिक जिन्हें आप घर पर भी यूज कर सकते हो। लास्ट वाली ट्रिक बहुत काम की है, जिनको देखकर आप यही बोलोगे। पहले ट्रिक करने के लिए आपको एक आलू लेकर उनको 2 भागों में काट लेना है और बचे एक टुकड़े को 3 भाग कर लेने हैं और तीनों को कुछ इस प्रकार से लगा देना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो और फिर इसको इसके ऊपर रखना है जो कि देखने में काफी मजेदार है। नंबर 2, जब आप किसी बोतल से नॉर्मल तरीके से पानी निकालते हैं तो काफी टाइम लग जाता है और वहीं पर आप बोतल को थोड़ा घुमाकर पानी निकालोगे तो जल्दी निकल जाएगा और अगर आपको और भी फास्ट पानी निकालना है तो कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हो। नंबर 3, अगर आपको एक कांच काटना है तो उसको पानी में डुबोकर काटें ताकि आप उस कांच को कैंची की मदद से बिल्कुल परफेक्ट जगह से काट सकते हो और सेफ्टी के लिए हाथों में ग्लव्स जरूर पहन लेना। और आप नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। साइंस के 3 जादुई ट्रिक जिन्हें आप घर पर भी यूज कर सकते हो। लास्ट वाली ट्रिक को देखकर आप यही बोलेंगे, बड़ा हरामी हो। नंबर 1, इस ट्रिक को करने के लिए आधे गिलास पानी थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। जब आप पानी पर सीधी लेजर लाइट लगाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है और अगर आप इस लाइट को थोड़ा तिरछा करके देखोगे तो कुछ ऐसा नजारा दिखेगा जो कि देखने में बेहद खूबसूरत है। नंबर 2, इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आपको एक कार्डबोर्ड लेना है और इस प्रकार से 2 एरो बना देना है और फिर कागज को कुछ इस प्रकार रख के इसके सामने कांच का गिलास रख देना है। जैसे ही आप गिलास में थोड़ा सा पानी डालोगे तो उस चिन्ह का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तीसरे ट्रिक को देखने से पहले अगर आप इंडिया से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नंबर 3, इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक बोतल लेना है, उसे एक टब में रखकर चारों तरफ उसके बर्फ रख देना है और उसमें नमक डालकर टब में इतना पानी भर देना है जो कि बोतल डूब जाए। अगर आप कुछ देर बाद बोतल को निकालोगे तो बोतल का पानी बर्फ में बदल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फैक्ट नंबर 1, भारत में फांसी की सजा सुनाने के बाद जज पेन की निब को तोड़ देता है क्योंकि जिस पेन से किसी का जीवन का अंत हुआ हो उस पेन को दोबारा यूज ना किया जाए और निब को तोड़ने के बाद जज को भी यह अधिकार नहीं होता कि वो फैसला बदल सके। फैक्ट नंबर 2, फांसी के समय कैदी को मुंह को ढक दिया जाता है ताकि मरते वक्त उसका तड़पता हुआ चेहरा किसी को दिखाई ना दे और उस दृश्य को देखने वाला उसका चेहरा कभी नहीं भुला पाएगा। फैक्ट नंबर 3, फांसी का टाइम फिक्स होता है, अगर फांसी देने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती है तो फांसी कैंसिल हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, फांसी देते वक्त जल्लाद हिंदू कैदी के कान में राम राम और मुस्लिम के में सलाम कहता है और यह कहता है मैं अपने फर्ज के आके मजबूर हूँ। फैक्ट नंबर 5, फांसी से पहले कैदी की आखिरी इच्छा पूछी जाती है, आखिरी इच्छा में किताब पढ़ना या अपने घर वालों से मिलना या फिर खाना होता है और इसकी भी कोई लिमिट होती है। अब यदि कोई पापा की परी यह बोले कि मुझे बगैर पंखों के उड़ना आती है तो इम्पॉसिबल है। कौन है ये लोग?